2025 तक पक्का मकान देंगे। तो प्रभु श्री राम ने भी कहा मेरा कब नंबर आएगा। हमारी पार्टी जो एक बार कमिटमेंट कर देती है पीछे नहीं हटती। 370 को हटाकर कचरे के ढेर में फेंका और आज प्रभु श्री राम को स्थापित कर रहे हैं। अभी तो अयोध्या और काशी हुआ है और मथुरा अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि राम को एक भव्य मंदिर में ले जाने का काम किसने किया है, मोदी सरकार ने किया है। वहीं उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार जो कमिटमेंट कर देती है उसे वह जरूर पूरा करते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना है, आप उनकी बातों को सुनिए। 2025 तक पक्का मकान देंगे। तो प्रभु श्री राम ने भी कहा मेरा कब नंबर आएगा और प्रभु श्री राम को भी एक भव्य राम मंदिर में किसने ले जाने का काम किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने साथियों। इसलिए साथियों हम सभी लोगों से आग्रह यही करेंगे, हम कमिटेड पार्टी है। हमारी पार्टी जो एक बार कमिटमेंट कर देती है पीछे नहीं हटती है। 370 को आपने देखा कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, जो आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने सपना देखा था अखंड भारत का, अखंड भारत का सपना पूरा किया। 370 को हटाकर कचरे के ढेर में फेंका और आज प्रभु श्री राम को स्थापित कर रहे हैं। ये तो मथुरा अभी बाकी है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो अयोध्या और काशी हुआ है और मथुरा अभी बाकी है। इसलिए संकल्प के साथ जाइए कि 2024 में एक एक सीट पर लाखों लाख मत से भाजपा और एनडीए के लोग चुनाव जीत कर जाए और फिर से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार जो बोल देती है उसे वह जरूर पूरा करती है। वहीं उनका ये भी कहना है कि काशी और अयोध्या में तो हो गया है लेकिन अभी भी मथुरा बाकी है। और उनका ये भी कहना है कि बिहार से भ्रष्टाचारियों को मुक्त करना है, बिहार को भ्रष्टाचारियों से मुक्त बनाना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।